सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप लोग के? ठीक ठाक, सब खैरियत? बस मुझे आपको ये बताना था कि क्या नाम है, मेरे पास दो एयरपॉड्स आए हैं जो कि जिसका मुझे रिव्यू देना था आप लोगों को। बेसिकली वो ओरिजिनल एयरपॉड्स नहीं हैं, लेकिन मुझे रिव्यू इसलिए देना था कि काफ़ी अच्छे एयरपॉड्स हैं ये। तो मैंने कहा आप लोगों को चेक कराएं, दिखाएं, क्योंकि एयरपॉड्स आजकल आईफोन के जो एयरपॉड्स हैं वो तो बेइंतहा महंगे हो गए हैं और बहुत एक्सपेंसिव हैं। उनकी कॉपी मेरे पास आई है और कुछ मैंने ये जो कॉपी थी, क्या नाम है, एक मैंने कॉपी ली ख़रीदी थी और दूसरी कॉपी भी मैंने टेस्टिंग के लिए ली थी। तो उसमें मैं आपको चेक कराता हूँ कि कौन सा बेहतर है, और काफ़ी बेहतर हैं ये, बहुत अच्छे हैं और काफ़ी बेहतर हैं। तो आएँ, आपको ना इसका रिव्यू देता हूँ। एक तो मेरे पास ये वाला है ब्लैक में, ये वाला, और दूसरा मेरे पास ये वाइट में है, और दोनों की जो स्पेक्स है वो डिफरेंट हैं। मैं आपको आगे इसकी चीज़ें बताता हूँ। वही, एक तो मेरे पास ये वाला है, ठीक है, और दूसरा जो है मेरे पास ये वाला है। सही है। और इन दोनों में ख़ास बात ये है कि एक तो ये इसकी जो क्वालिटी है वो दूसरे से अच्छी है थोड़ी सी। ये मैट ब्लैक है, ठीक है, ये मैट ब्लैक है, और ये वाली इसकी जो क्वालिटी है वो है, क्या नाम है, शाइनी मटेरियल है, ठीक है ना। तो इन दोनों में क्या ख़ास बात है वो मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। तो ये दो जो हैं इनका मैं आपको, सबसे पहले मैं इसका आप लोगों को रिव्यू देता हूँ, बाद में फिर इसका दूंगा। तो ये वाला जो है, इसका जो मटेरियल है वो बहुत ज़बरदस्त है, मैट ब्लैक है, और क्या ना, थोड़ा सा रबर टाइप इसका मटेरियल है, और इसमें सब चीज़ अच्छी है इसकी, ठीक है, लेकिन इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो ठीक नहीं है। मतलब अच्छी है, लेकिन बस जो लोग बहुत म्यूज़िक लवर हैं उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी बेस जो है वो अच्छी नहीं है, और कॉपी इन्होंने अच्छी अच्छी की है। इसका देखें, जैसे पीछे जो इसका ये बटन दिया हुआ है एयरपोर्ट जैसा, और इसका बटन खाली, ये खाली बटन दिया हुआ है और इससे होता कुछ नहीं है, मतलब ये फेक, बिल्कुल फेक बटन है, ठीक है। बाकी ये चार्जिंग पोर्ट एग्जैक्टली वैसे ही है, बाकी जो इसकी केसिंग है बिल्कुल वही है कि इसको आप खोलते हैं तो कनेक्ट हो जाता है, लेकिन इसकी कनेक्शन थोड़ी सी, कनेक्शन थोड़ा थोड़ा सा मसला आता है। तो इसमें मेरे साथ जो मसला आया था वो ये था कि मैंने ये 2 वीक्स पहले लिया था, और एमिरेट्स मॉल दुबई से, और वहाँ से मैंने लेके आ गया था। तो 2 वीक्स तक सही चलता रहा है, उसके अगले दिन जो है, क्या नाम है, इसकी जो हेडफोन्स है ना, उसमें से एक हेडफोन से आवाज़ आ रही थी, दूसरा हेडफोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो क्या नाम है, उस वजह से फिर मैंने इनको वापस किया, मैंने कहा कि ये तो ख़राब हो गया। तो मैं एमिरेट्स मॉल गया और वहाँ जाके मैंने इनको दिखाया, और उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपनी रिसीप्ट दिखाएं तो हम इसको एक्सचेंज कर देते हैं। तो ये एक्सचेंज होके मेरे पास नया आ गया है, अब ये ठीक काम कर रहा है बिल्कुल। तो नॉर्मल यूज़ के लिए ये जो है ना एयरपॉड, ये ठीक है, वैसे म्यूज़िक लवर बहुत अगर कोई है उसके लिए सही नहीं है। और दूसरा जो मैं है, दूसरा ये वाला है वाइट वाला, ये इसका तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि इसकी जो क्वालिटी है और केसिंग, तो मुझे खैर ब्लैक वाली ज़्यादा अच्छी लगी है, लेकिन इसकी क्वालिटी, साउंड क्वालिटी मैं कहता हूँ बहुत अमेजिंग है, बहुत फिट है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और क्या नाम है, ये इसका जो ये बटन भी है ये भी फेक नहीं है, ये रीसेट करता है एयरपोर्ट को, और ये क्या नाम है, बिल्कुल क्या नाम है, एयरपोर्ट की तरह ही इन्होंने कॉपी की है, जैसे इसमें लिखा हुआ है डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, और क्या नाम है, कनेक्शन भी इसकी जो है वो इस तरह ही होती है, जैसे ही आप इसकी ये लिट ओपन करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा।
आपके आईफोन के साथ, ठीक है। और साउंड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। तो इन दोनों में मुझे जो बेहतर लगा है ऑब्वियसली वो ये वाला है, क्योंकि प्राइस भी अच्छी है इसकी। ऑब्वियसली इन दोनों की प्राइस जो है वो एयरपॉड ओरिजिनल से तो बहुत ही चीप हैं ये दोनों, लेकिन मैंने देखा है कि ये वाला जो है ना बहुत ज़्यादा ये सेल हो रहा है आजकल। इसको तो जिसने अगर नॉर्मल यूज़ के लिए यूज़ करना है वो ये यूज़ करे, लेकिन प्रेफर मैं ये वाला करता हूँ। ये कोई था उस वक्त सेल में 34 दिरहम का, और ये मुझे मिला है 75 दिरहम का, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो मैंने आप लोग को बताना था इसी दो एयरपॉड्स का। बाकी इंशाल्लाह मेरी वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करें अगर आप लोग को पसंद आई हो, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। Yeah.